कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुनील चौधरी के आह्वान पर शनिवार 31 अक्टूबर को स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किसान अधिकार दिवस के मौके पर कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन उत्तर पूर्वी जिला अधिकारी कार्यालय नंदनगरी किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी पूर्व विधायक, पूर्व निगम पार्षद, वर्तमान में निगम पार्षद व अन्य कमेटियों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता किसान अधिकारी दिवस के अवसर पर किसानों के अधिकारों एवं भाजपा पार्टी द्वारा किसान बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। आयोजित इस प्रोग्राम में हमारे कैलाशन जी, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जिन्होंने इसका आयोजन किया हुआ है और पूरी दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है किसान दिवस के रूप में। और आज सबसे खुशी की बात तो यह है कि हमारे वाल्मीकि जयंती या वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस है और महान हमारी नेता कांग्रेस पार्टी की बहुत शीर्ष नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनका आज शहीद दिवस है और इसके साथ साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भी है। इस उपलक्ष्य में मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज जो हम किसान दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं, किसान अधिकार दिवस के रूप में जो मना रहे हैं, मोदी सरकार ने जो भी बिल लाए हैं वो तो किसानों के विरुद्ध है और किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया हुआ है। आप इस बात को अच्छे तरह जानते भी हैं कि भारत हमारा पूरा भारतवर्ष एक किसान प्रधान देश है। 75% लोग किसान के पेशे से जुड़े हुए हैं और 75% लोग किसानी का काम करते हैं। और आप तो ये भी जानते होंगे कि हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था में 75% लोगों का योगदान बहुत महम रखता है। तो ये आज इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि के काम पे कांग्रेसी संकल्प लेते हैं कि जो मार्ग इंदिरा गांधी ने बिछाया है, इंदिरा जी ने, उस मार्ग पे हम लोग चलें। उसी श्रृंखला में आज भी 31 अक्टूबर का दिन है, आज के दिन उनकी शहादत हुई और उन्हीं की कोठी पे कुछ जो दरिंद्र हैं उन लोगों ने उनको गोली मारकर मौत के घाट उतारा, तो आज उन्हीं की पुण्यतिथि है, उसको हम हर साल मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आज जन्मदिन है और भगवान वाल्मीकि जी, जो मैं कहता हूँ वो वाल्मीकि जी का जो दर्जा है वो तो पूरे विश्व में बहुत बड़ा दर्जा है। जहाँ स्वयं माता सीता रही हूँ उनके आश्रम पे, तो उससे बड़ा कोई और जगह हो नहीं सकता। इन्हीं तीनों जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे भगवान हैं, उनके हम हमेशा मनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेसी के दिमाग में एक बात होती है हर कांग्रेसी के कि हम कहीं कहीं जो शोषित हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो गरीब गुरबा हैं, उनके लिए हम बढ़ चढ़ करके काम करने का हिस्सा लें। जहाँ भी कुछ समस्याएं हैं उनको समाधान करने को अग्रणी पंक्ति में जाकर कांग्रेसी काम करें और वो कर रहे हैं। आज चाहे कांग्रेस का 70 की 70 विधानसभाओं में कोई MLA नहीं है। अधिकार दिवस के रूप में आज जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी कलेक्ट्रेट ऑफिस है, दिल्ली में DM ऑफिस कहते हैं और अदर स्टेटों में कलेक्टेड ऑफिस करते हैं, वह सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और किसान नेताओं ने ये प्रोग्राम किया है कि किसान अधिकार दिवस के रूप में आदरणीय हमारी इंदिरा गांधी जी, हमारे देश को शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत जिन्होंने देश को इतनी बड़ी ताकत में बनाया था, कई कंट्रियों को उन्होंने अलग अलग कर दिया था अपनी शक्ति के कारण, आज हमारे देश की नीतियाँ हमारे देश की एकता और अखंडता में कमजोरी करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं केवल झूठ बोलते हैं और वो चुनावी हरकत करते हैं। चुनाव में जीते कैसे, चाहे उसमें किसी को मरवाना हो या किसी की शहादत पर फायदा पहुंचाना हो, वो केवल चुनावी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, किसानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आज हमारी वाल्मीकि जयंती है, हमारे लोह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और हमारी जो भारत रत्न श्रीमती पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनका बलिदान दिवस है। आज के दिन इंदिरा जी ने किसान अधिकार दिवस के रूप में घोषणा की थी, जिससे कि आज किसानों का जो ये देश में प्रधानमंत्री जी ने तीन काले बिल लाए हैं, इसके विरुद्ध हम पूरी दिल्ली में, पूरे देश में, हर DM ऑफिस में, हर जगह एक अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। सब लोग इकट्ठे हुए हैं
और इस किसान बिल का हम पूर्णतः विरोध करते हैं। ये किसानों के लिए एक शोषण का बिल है। जिस तरह कांग्रेस किसान अधिकारी दिवस पर किसानों के दिलों में अपना स्थान बनाने के लिए किसानों को हमदर्दी दिखा रही है, उससे लगता है कि कांग्रेस अब राजनीति क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की फिराक में लगी है। शिवानी बिष्ट के साथ प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।